इसलिए शिव महापुराण की कथा कहती है, यदि राहु है, केतु है, शनि है, मंगल है, बुध है, शुक्र है, शनि है, आपको कोई भी ग्रह परेशान कर रहा है, आपके जीवन में कोई ग्रह अगर अनिष्टकारी है, आपके जीवन में अगर कोई ग्रह अनिष्टता प्रदान कर रहा है, तो निवेदन है शंकर के मंदिर में जो कलश लेकर आप जाएं, जल लेकर जाएं, उस कलश में मात्र अक्षत के दो दाने डालकर ले जाएं, मात्र दो अक्षत के दाने। जैसे सूर्य नारायण को प्रसन्न करने के लिए अपन कुंकू डाल लेते हैं, हल्दी डाल लेते हैं जल में, या चने की दाल डाल लेते हैं जल के अंदर। सूर्य नारायण को प्रसन्न करने के लिए हमने चने की दाल डाली, कुंकू डाला, हल्दी डाली, और कभी कभी सूर्य नारायण भगवान से बहुत जरूरी काम है और वो कार्य हो ही नहीं रहा है, या तन पर कोई रोग हो गया है तो उसको मिटाने के लिए कई बार हमने भगवान सूर्य को अर्घ देते समय सफेद फूल भी डाला है, कभी लाल फूल भी डाला है। उसी तरह भगवान शंकर से निवेदन करने के लिए, हमारी ग्रह दशा सुधारने के लिए जल के पात्र में दो अक्षत के दाने, अक्षत भी पूर्ण अक्षत, पूर्ण अक्षत, खंडित नहीं, पूर्ण अक्षत भगवान शंकर को समर्पित करते।